हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन ये डाला गया था और मेरी कोशिश रहेगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दूं, और नहीं भी दे पाया तो भाई आप लोग मैनेज कर लेना। तो पवन, पहला क्वेश्चन है लीना सैम की तरफ से। हाउ डू यू फील अबाउट द ऑक्शन मोमेंट when you were the costliest player again? Proud feel होता है कि आप auction के second time most expensive player बनते हो, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि जिस भी franchisee ने आपको लिया है उस franchisee की लेके आपको team qualify करानी होती है, semi-final पहुँचानी होती है, finals पहुँचानी होती है। तो मेरे लिए ये एक responsibility का काम है, इसको मैं बखूबी निभाऊंगा। ओके, तो पार्थ पूछ रहे हैं कि इंडियन टीम की कैप्टेंसी आपके लिए पीकेएल टीम की कैप्टेंसी से डिफरेंट कैसे रही? अब पार्थ ने जो पूछा है इंडियन टीम की कैप्टेंसी, तो इंडियन टीम में प्लेयर काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं। जब बात की जाए सुरजीत भाई की या नितेश की या विशाल की या नितिन की, उन प्लेयरों को एक्सपीरियंस है मैचेस खेलने का किसी भी टीम के सामने। और पीकेएल में कुछ प्लेयर्स यंगस्टर आते हैं, उनको बताना पड़ता है कि कौन सी रेड में सिचुएशन समझाना पड़ता है, तो सिर्फ यही फ़र्क है। अदरवाइज दोनों को बस एक बताने का तरीका होना चाहिए और उन प्लेयरों को ये समझना चाहिए कि जो बता रहा है वो ठीक है, उनको फील कराने वाला होना चाहिए, अदरवाइज ईजी है दोनों चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनस की तरफ से, डू यू मिस बेंगलुरु बुल्स? हाँ, बेंगलुरु बुल्स को तो मैं मिस करता हूँ कि जिस टीम ने मुझे नाम दिया, फेम दिया, और उस टीम का मैं पार्ट नहीं हूँ आज की डेट में, तो मैं एब्सोल्युटली उस टीम को बहुत मिस करता हूँ, वहाँ के फैंस को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तो नेक्स्ट आप तरुण पूछ रहे हैं कि लिगामेंट इंजरी से आप इतनी जल्दी ठीक कैसे हो पाए? जल्दी कहाँ भाई, बहुत टाइम लगा है, मेरे लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया था। लेकिन जो रिहैब है मेन, तो वो इम्पोर्टेंट है। रिहैब मैंने पहले कोकिला बहन हॉस्पिटल में किया था, डॉक्टर वैभव ढाका के पास। उसके बाद मैंने JSW में बलारी अपना रिहैब किया है, तो मैं घर तो गया ही नहीं हूँ जब से मेरी सर्जरी हुई है, तो जल्दी रिकवर नहीं हुआ भाई। तो पवन जसवंत पूछ रहे हैं कि विच इज योर वर्स्ट हैबिट? वर्स्ट हैबिट एक भी नहीं है यार पाजी, ढूंढनी पड़ेगी अपने बॉडी में। मुझे ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि कोई मेरी ऐसी हैबिट होगी। जो का पार्ट बहुत होंगे भाई, सोने की है, रनिंग करने की है, बहुत चीजों की है जो हैबिट बुरी है। तो पवन शिवम पूछ रहे हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर राइज टू द टॉप इन योर स्पोर्ट कबड्डी? बहुत सारे लोगों का मेरी कामयाबी के पीछे हाथ है, इसमें मेरी सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरी फैमिली है, कोचिज हैं और मैनेजमेंट है, स्पेशली थैंक्स टू अंकुर भाई कि मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो मैं किसी एक बंदे को नाम लेके पर्टिकुलर नहीं बोल सकता, बहुत लोगों का मेरी कामयाबी के पीछे हाथ है, और सबसे बड़ा हाथ तो आप लोगों का है, प्यार है, जो मुझे बाउंस बैक दिलाने में इजी रखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पवन श्रीनू की तरफ से है, हाउ आर यू फीलिंग ऑन ज्वाइनिंग तेलुगु टाइटंस? फीलिंग का तो मैंने जैसे बताया कि प्राउड फील कर रहा हूँ, और एक नए स्क्वाड में नए प्लेयरों के साथ खेलूंगा मैं अभी तेलुगु टाइटंस कैंप में जाऊँगा। और मेरे साथ मेरा पुराना साथी है परवेश बैसवाल, जिसके साथ मैं रेलवेज में भी खेला हूँ, उससे पहले मैं गुजरात फॉर्चून जायंट्स में भी खेला हूँ, तो अच्छा फील कर रहा हूँ, एक मिक्स कम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। पवन तरुण की तरफ से सवाल है कि व्हाई डिड यू लीव बेंगलुरु बुल्स? ये काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा है और इसका जवाब अब तक मैंने दिया नहीं था, लेकिन मैंने बेंगलुरु बुल्स को नहीं छोड़ा। बेंगलुरु बुल्स की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से मेरे पास कोई फ़ोन कॉल्स या किसी भी मैनेजमेंट की तरफ से मेरे पास कोई कॉल्स नहीं आई, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने बेंगलुरु बुल्स को छोड़ा है, बेंगलुरु बुल्स ने मुझे छोड़ा है। उसके बाद उनके जो भी प्लान्स थे वो उनको ही पता है, वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा है, आई डोंट हैव रीज़न। प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि हु इज़ योर फेवरेट रेडर एंड डिफेंडर इन कबड्डी? देखिए, जो नए प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें तो फेवरेट जैसे मोहित नांदल है, जयदीप दहिया, ये काफ़ी अच्छे खेलने का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और बात रेडर की जाए तो अपना छोटा भाई नरेंद्र कंडोला नन्ना काफ़ी अच्छा खेल रहा है, उसका गेम मुझे बड़ा पसंद आता है देखने में।
तो पवन, अब वो सवाल जो कि बहुत लोग पूछ रहे हैं आपसे, तो ये सवाल सक्षम की तरफ से है कि आपकी गर्लफ्रेंड उनका नाम क्या है और आप शादी कब कर रहे हैं? अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो क्या मैं बताऊंगा ऐसे? और दूसरा, अगर शादी होगी तो सबको पता चलेगा, इनविटेशन आएगा, पूरे सोशल मीडिया पे मैं डालूंगा। सचिन की तरफ से क्वेश्चन है कि जर्सी नंबर 17 ही क्यों? एक फीलिंग आती है, वाइब आती है कि अपने आप को इंक्रीज करने की हिम्मत आती है जर्सी नंबर 17 से। और इसके पीछे का तो सीन आप लोगों को सभी को पता है कि ए बी डिविलियर्स है, जो उसका गेम है, उसको उस गेम को मैंने फॉलो किया है, तो वही है। लेकिन अब 17 नंबर एक वाइब बन गई है मेरे लिए, जुनून बन गया है कि 17 नंबर कोई पहने, कोई मुझे प्लेयर दिख जाता है तो मैं उसमें अपने आप को फील करता हूँ। तो अयान पूछ रहे हैं कि कबड्डी में स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं या आपकी पावर? वो डिपेंड करता है अलग अलग प्लेयर्स पे। जैसे अगर बात हम मनिंदर की जाए तो वो पावरफुल प्लेयर है, विकास कंडोला की बात की जाए तो स्किलफुल प्लेयर है। तो प्लेयर प्लेयर पे मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ होनी चाहिए तो बेस्ट एडर ही हो जाएगा या एक चीज़ पे ही कोई प्लेयर बन जाएगा। वो प्लेयर पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेयर किस टाइम कौन सी स्किल यूज़ कर रहा है। रिया पूछ रही है कि क्या आप प्रो कबड्डी में प्रदीप नरवाल के साथ खेलना चाहते हैं? रिया, खेलना तो मैं चाहता हूँ कि एक साइड से दुबकी किंग, एक साइड से हाई फ्लायर, जब दोनों मिलेंगे एक धरती के नीचे से एक धरती के ऊपर से, तो मजा बड़ा आएगा। लेकिन वो देखते हैं वो टाइम कब आएगा। वन, सौरव इज आस्किंग अबाउट योर फेवरेट टीम बिफोर दिस ऑक्शन। देखिए, सारी टीम मेरी फेवरेट है, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर टीम है, लेकिन बेंगलुरु बुल्स के प्रति मेरा कुछ ज़्यादा प्यार है। उस टीम ने, वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं भले तमिल के लिए खेल रहा या तेलुगु टाइटन के लिए खेल रहा हूँ, लेकिन बेंगलुरु बुल्स के जो फैन है, बेंगलोर के जो लोग हैं, वो आज भी प्यार करते हैं और कल भी उन्होंने मुझे प्यार किया, और आई होप आगे भी ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। पवन, रक्षिता पूछ रही है कि हु इज योर क्रश? सीधा एक लाइन में आंसर है, समंता रूथ प्रभु। तो पवन, शिविका पूछ रही है कि डिड यू एवर फील लाइक गिविंग अप ऑन दिस करियर दैट यू हैव टुडे? हाँ, हुआ है। सीजन 5 के दौरान ये ऐसा हुआ है कि मैंने करियर छोड़ने का सोचा था, कि मैं गेम छोड़ने का सोचा था, लेकिन वो आप लोगों स्टडी में भी होता हुआ कि कोई एग्जाम में है जो हमने सोचा वो नंबर ना मिले, तो वो सभी के साथ लाइफ में ऐसा पार्ट आता है कि यार छोड़ इस काम को, तो वो मेरे साथ भी हुआ था। अदरवाइज मेरे साथ एक ही बार हुआ, उसके बाद कभी हुआ नहीं कि मैं गेम को छोड़ दूं, मैंने वापस पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। पवन, विन्नी इज आस्किंग कि व्हाई आर यू नॉट पोस्टिंग एनी पिक्चर्स लेटली? नहीं, मतलब एक बार इंस्टाग्राम खोल के देखो, पिक्चर तो बहुत डाली है, और अभी जो 4-5 दिन 10 दिन से नहीं डाली, मैं चाइना में था, उसके बाद आते ही ऑक्शन था, फिर यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बिजी था, अदरवाइज मैं पोस्ट तो बहुत सही करता हूँ। अमित इज आस्किंग योर फेवरेट इंडियन क्रिकेटर एंड दैट टू करंट। करंट में तो फेवरेट क्रिकेटर जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जो इनकी फॉर्म देख के तो भाई ये मेरे ख्याल से हर किसी के फेवरेट होंगे, मेरे तो फिलहाल यही है। संदीप पूछ रहे हैं कि क्या चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है? संदीप भाई, मुझे खुशी हर चीज देती है। मैं एक होता है कि खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं है, जब भी मैं घर आता हूँ तो मुझे फैमिली के साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ, मुझे वहाँ पे आके बड़ी खुशी मिलती है, तो मैं घर पे रहता हूँ तो मैं खुशी रहता हूँ। वाशिनी इज आस्किंग अबाउट योर मोस्ट मेमोरेबल डे टिल नाउ। क्या पूछ रही हो? इनी पूछ रही है कि आपका अब तक का सबसे यादगार दिन क्या रहा है? यादगार दिन तो मेरे लिए यही रहा है कि जब अभी एशियन गेम में जो फाइनल मैच हम जीते थे और हमारा नेशनल फ्लैग ऊपर जा रहा था और नेशनल एंथम बज रहा था, तो मेरे लिए सबसे यादगार मोमेंट वही था। पूजा पूछ रही है कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है कबड्डी में? पूजा जी, वैसे तो कबड्डी वाले मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड है, सारे फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन नितेश के साथ कुछ अपना लगाव है। तो पवन, लास्ट में अ मोटिवेशनल कोट फॉर ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर। यंगस्टर के लिए तो यही कोट है कि कीप हसलिंग,
कभी गिव अप मत करना और जो भी स्ट्रगल आपका चल रहा है उसको जारी रखें। और पवन फैंस के लिए कोई मैसेज? फैंस के लिए मेरे यही मैसेज है कि मैंने ट्राई किया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने का, लेकिन जिन क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं दे पाया तो मैं दिल से उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, और कभी नेक्स्ट टाइम जब मैं डालूंगा तो उसमें ज़रूर आपके क्वेश्चन होंगे, नहीं तो लाइव आके एक दिन तहलका मचा देंगे। थैंक यू सो मच।